Good morning. Good morning. Namaskar. Welcome to another episode of Court. And today we're at Tashi Viewpoint, which is right on top of Gangtok Hill. From here, you can see a beautiful view of the city. And right behind us is the mystical and wonderful deity of Sikkim, Kanchenjunga. So Sona, मुझे कब से बता रही है about the mystical land of Nemyalang, which actually means hidden paradise, जहाँ पे Sikkim के original inhabitants, the Lepchas रहते हैं. And in the heart of Nemyalang is Zongu, right? Yes. But before we head to Zongu, एक बहुत important point आता है बीच में, जहाँ पे the Lepchas and the Bhutias, उनकी blood brotherhood की treaty sign हुई थी. And that point is called Kabi Lunchok. तो हम wait क्यों कर रहे हैं? Let's go na. ब्यूटीफुल जर्नी, हम पहुंच गए हैं सांकलांग ब्रिज पे और यहाँ से हम बढ़ेंगे ज़ोंगू की ओर. बट बिफोर वी डू दैट, मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ. सो ज़ोंगू इज बेसिकली अ वेरी प्रोटेक्टेड प्लेस और उसके बारे में ज्यादा लोगों को कुछ खास पता नहीं है. बट वी हैव गॉट द प्रिविलेज टू मीट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फ्रॉम ज़ोंगू, जो कि हमें उसे घूमने में और ज्यादा हेल्प करेंगे. हमरी मो, वेलकम टू नॉर्थ सिक्किम एंड वेलकम टू ज़ोंगू. प्लीज मीट अनुम तेंजिंग ग्यात्सो. भाई को ना लेपचा लैंग्वेज में अनुम बोलते हैं. सो अनुम हैज अग्रीड कि वो हमें ज़ोंगू एक्सप्लोर कराएंगे. क्योंकि ज़ोंगू लेपचा लोगों का ऑफिशियल रिजर्व्ड एरिया है, यहाँ आने के लिए सभी विजिटर्स को एक प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है, जिसे इस चेक पॉइंट पे दिखाने के बाद ही आप यहाँ एंटर कर पाएंगे. गैंगटॉक से ज़ोंगू लगभग 70 किलोमीटर दूर है. ये पहाड़ी इलाका यहाँ के इकोसिस्टम के लिए मानो एक प्राकृतिक आश्रय स्थल है. यहाँ बहुत कम आबादी रहती है और ज्यादातर हिस्सा डेंस वेजिटेशन से भरा हुआ है.
लेप्चा कल्चर में नेचर को हाईएस्ट स्टैंडिंग देते हुए उसका वर्शिप किया जाता है। युगों से इस ने मैलियांग के मिस्टिकल लैंड में लेप्चास मदर नेचर के साथ हारमोनियसली कोएग्जिस्ट करते आ रहे हैं। ज़ोंगू एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां इन लोगों का ये लाइफस्टाइल का अनुभव किया जा सकता है। शाम होते होते और थोड़े अपहिल क्लाइम के बाद हम अनुम तेंजिंग का ये स्टनिंग होमस्टे पहुंचे। और जैसे ही हम अनुम तेंजिंग के नेचर प्रोफेलिक होमस्टे पहुंचे, हमें ज़ोंगू में मदर नेचर के बेशुमार खजानों की झलकियां दिखनी शुरू हो गई। वाह, ओ माय गॉड, सी देयर मेनी मोर ऑरेंजेस हियर, इट्स लाइक अ होल फील्ड यार। हे भगवान, यार कितना सुंदर लग रहा है। और फिर मदर नेचर के अलार्म के साथ हमारा दिन शुरू हुआ इन द लैंड ऑफ लेप्चास, अनुम तेंजिंग के होम स्टे में। ज़ोंगू में हमारा दिन अनुम तेंजिंग के घर में एक होलसम ब्रेकफास्ट के साथ शुरू हुआ। द स्प्रेड वाज सिंपल बट डिलिशियस विद एन असॉर्टमेंट ऑफ फ्रूट जो उनके ही घर के गार्डन से लिया गया था एंड अ हेल्थी एंड डिलिशियस ट्रेडिशनल स्ट्यू। अब हमें समझ में आ रहा था कि अनुम तेंजिंग का घर ज़ोंगू में इतना पॉपुलर क्यों है। Morning. No, good morning. Khamrimo. Khamrimo. Hope you all had a good sleep. Yes, it was amazing. Wow. So comfortable. So how do you like this place? Like? Love it. Matlab itne different type of fruits, itne colorful, sundar sundar flowers, so much greenery, so much fresh air, mountains. Matlab isse zyada aur kya chahiye hoga? To phir hum aur dikhayenge aapko. Oh, please, definitely. Aaiye, aaiye. ये नोहो में ये वाला से ये क्या है? ये साग है, स्पिनच। ओह, लाइक पालक। हाँ जी, हाँ जी। टेस्ट भी डिफरेंट होता होगा ना पालक का? हाँ, टेस्ट डिफरेंट होता है। हाँ, ये स्कूस है। कुस्कुस स्कूस। रिमेम्बर ये फेलिंग में भी खाया था at that monastery, bada kitchen. Oh yeah, oh yes. हाँ, इसीलिए ये common vegetable है, सिक्किम में जहाँ भी मिलता है। हाँ, रास्ते में भी बहुत जगह देखा था ना। ओह, हर तरीके से खा सकते हैं। जब हम छोटे थे ना, इसका सीड को अंदर से काट कर फायर में डालते थे और उसको रोस्ट करके खाते। और ये इसका सब कुछ खा सकते हैं, इसका सूट खा सकते हैं, इसका लीफ खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, इसका रूट भी खा सकते हैं। सब कुछ? हाँ जी। अनु, ये इतने सारे संतरे क्यों गिरे हुए हैं यहाँ पे? ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं, तो ये सब जो गिर जाता है हम वही छोड़ देता है। और ये मैन्योर बन जाता है। हाँ जी। अच्छा, अरे ये मिर्ची है? हाँ जी, ये मिर्ची है। ओ, शिपा, शिपा, ओ, वहाँ साग है। ओ, so these are part of a farm life, you know. You need to have animals, all sort of animals. Pout कर रहा है सी? Hello. Such big ears. ये अमरूद है। अमरूद? हाँ। It looks so yummy. Ready है खाने के लिए? Would you like to eat? Yes, 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 yes. पेड़ से उतरा हुआ फ्रेश अमरूद। Cheers. बहुत मीठा है। Yum. And so soft. हाँ जी, ये राइप हुआ ना। It's so yummy. बाहर ऐसे नहीं मिलता है। Thank you.
लेपचा लैंग्वेज में घर को ली कहते हैं। सदियों से प्रकृति को रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ के लोग खेती किसानी करते हैं। आज की फास्ट पेस दुनिया में इस टाइप का हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस अपने आप में एक दुर्लभ मिसाल है। और जैसे ही अनुम तेंसिंग कहते हैं, जिस तरह से हम एनिमल्स का ख्याल रखते हैं, उसी तरह एनिमल्स भी हमारा ख्याल रखते हैं। लेपचाज और एनिमल्स के बीच का ये ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हमें नेचर की रचनाओं को प्रेम और सम्मान देने का प्रेरणात्मक सबक सिखाता है। I have the pleasure of introducing two of the most prominent members of Zongu. One is Mr. Dawa Lepcha, a very noted filmmaker, and Mr. Thugzin Lepcha, a cinematographer. Both of them together, उन्होंने एक movie produce किया था, Dogbhu, जो एक award-winning film है और Lepcha language में पहला movie है। This movie was completely shot in Zongu. So, जो आपने Zongu में और Lepcha community पे जो film बनाई है, उसका motivation क्या था और उसका impact क्या रहा Lepcha community पे? We grew up hearing all the myths and stories of our land. You know, as you can see the landscape, everything, you know, and we have such wonderful stories that has been passed down by our ancestors. And I had been wanting to make a movie of that kind, and so you know, I worked on the story, the script, everything, and finally we got started sometime in October. 2016 and in finally in 2017 we completed the film and released it and to our surprise it did quite well so we are happy about that sure. So aapne yahan pe itne remote area mein film banaya, what is the biggest challenge jo aapko face karna pada? Like we were having a lot of technical challenges because the lack of equipment we had, we didn't have much, like we just had a 1.5D Mark III camera with 50mm and a basic 24-105 lenses, and we didn't even had a light also, of course, right. And like tripod was also too shaky, and like most of the shoot had to be done with a handheld only. Right, but I'm so glad ki aapne wo film banai itne challenges hone ke baad bhi, you know, I'm so happy and thank you so much for talking to us. Thanks so much. ज़ोंगो में बेस्ड कई लेजेंड्स और फोकलॉर्स है, उनमें से एक तिंग्योंगदू लेक के मिस्टीरियस इनहेबिटेंट्स के बारे में भी है। ये लेक हिग्याथंग नाम के जगह में है। ऐसा माना जाता है कि इस झील की ये छोटी छोटी सिल्वर मछलियाँ एक देवी के लाइस यानी कि जू से उत्पन्न हुई थी। गाँव में एक लेपचा क्लान का ये भी मानना है कि ये मछलियाँ उनकी पूर्वज हैं, जिन्हें वो देंग नुलीक कहते हैं। और माना जाता है कि अगर इन मछलियों को कुछ हो गया तो उनके कबीले के लोगों का भी नाश हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि ये झील लेपचा लोगों के लिए कितनी पवित्र है। तो अब हम जा रहे हैं ज़ोंगु के हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम देखने। लेट्स गो। The Directorate of Handicraft and Handloom Department ने ज़ोंगु में लेपचा कम्युनिटी की प्राचीन शिल्प कला को कंजर्व करने के लिए कई सारे तरीके निकाले हैं, जिससे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, साथ ही उनका कल्चर भी प्रिजर्व हो रहा है। लेपचा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट एक एंशियंट आर्ट फॉर्म है। इनके हैंडलूम के धागे नेटल या बिच्छू बूटी से बनाए जाते थे, जिसे प्लांट्स और वेजिटेबल्स के एक्सट्रैक्ट से डाई किया जाता था। थोक्रो लेपचा ट्रेडिशन का एक पॉपुलर डिजाइन है, जिसे हैंडमेड प्रोडक्ट्स में एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। यहाँ बने हुए मिट्टी के ट्रेडिशनल रिलीजियस मास्क बहुत ही पॉपुलर सुविनियर आइटम्स है। लेपचास अपने नेचुरल हैबिटेट में बहुत सक्रिय होकर रहते हैं, जिसका नमूना हमें मंतम नदी के ऊपर पूरी तरह बैम्बू से बनाए गए इस पुल को देखकर मिला। बुद्धिस्ट फैमिलीज में प्रेयर फ्लैग्स को होस्ट करना एक कॉमन कस्टम है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहराते हैं तो वो प्रेयर्स रिसाइट करने के ही बराबर होता है, और ये पॉजिटिविटी और गुड वाइब सेंड करता है। खास बात यह है कि फ्लैग्स का हर एक कलर एक फिजिकल एलिमेंट को दर्शाता है।
और ये एम्बियंट ब्लेस्ड वाटर्स पे अपनी प्रेयर्स ऑफर करने के बाद हमने खुद को नेमालियांग के स्पिरिट के और भी करीब पाया। लेपचास सिक्किम को द हिडन लैंड ब्लेस्ड बाय द गॉड्स कहते हैं और यहाँ आकर हमें ये डीप ट्रूथ महसूस हुआ। ज़ोंगू दो नदियां नॉर्थ में टीस्टा और साउथ में थोलुंग से घिरा हुआ है। नदी सदियों से यहाँ के निवासियों के लिए आजीविका के प्रमुख स्रोतों में से एक रही है और आज भी इन नदियों की खूबसूरत जलमार्गों के आसपास ही लेप्चा कम्युनिटी ज़ोंगू में गुजर बसर करते हैं। ज़ोंगू के लेपचास आर अमेजिंग हंटर्स एंड एफिशिएंट फिशरमैन और यहाँ रिवर भी है तो मछली पकड़ना तो बनता है ना। शिप्रा को ना सब कुछ करना है। सो अनुम तेंजिंग इज हेल्पिंग अस आउट एंड ही इज फिशिंग फॉर अस इन अ ट्रेडिशनल वे। लेट्स होप वी हैव सम लक। एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल कि ये सदियों के प्रैक्टिस के बाद यहाँ के लोगों ने हाथ से मछली पकड़ने की स्किल भी परफेक्ट कर ली है। ये बांस के बास्केट को फीत कहते हैं और ऐसे बिना चारे से मछली पकड़ना इज डेफिनेटली नॉट एन इजी फीट। आई थिंक मिली ऑन गो मिली क्या? दिस इज फॉर डिनर टुडे। हमारे डिनर का तो इंतजाम हो गया। सो एक्साइटेड। यू नो सोनम, कॉन्क्रीट जंगल से एक्चुअल जंगल में इतने अंधेरे में ऑन द रिवर साइड इन मिडल ऑफ जस्ट नोवेयर हम अभी वो करने वाले हैं जो मैंने कभी नहीं किया। किया छोड़ो, लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था हम फ्रॉग्स पकड़ने वाले हैं। And you know, Shipra, ये frogs ना lepchas के लिए एक delicacy होती है। It has so much medicinal value. So we're very lucky कि हम ये experience करने वाले हैं, all thanks to Anum Tenzing. वो हमें ये traditional technique दिखाने वाले हैं। It's quite exciting. I'm so excited. At daytime we caught fish. Now we caught frog. It's quite exciting. I'm going to show this to the girls, and I'm sure. They're really excited to see this. Hello. Oh my God! Look at those eyes. ज़ोंगू में मैंने इतने अलग और इतने मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस करे हैं जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचे थे। एंड आई एम सो थैंकफुल टू सोनम कि वो मुझे यहाँ लेकर आई, सो दैट आई वाज एबल टू लिव सो क्लोज टू नेचर एंड द पीपल हियर। दिस हैज बीन अ ट्रिप फुल ऑफ न्यू एडवेंचर्स फॉर मी एज वेल, और वो भी अपनी इतनी क्लोज फ्रेंड के साथ। इट्स बीन वेरी स्पेशल। लेकिन हमारी खोज अभी जारी है।
और जैसे ही हमने अनुम तेंजिंग, उनके परिवार और सोंगू को फेयरवेल किया, मैंने ये रियलाइज किया कि आखिर क्यों लेपचा लोगों को मुतंची रोंगकुप भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। I know. तो हम ज़ोंगू से निकल चुके हैं and I must tell you, ज़ोंगू is one of the most beautiful and untouched place I have ever been to. मतलब वहाँ के लोग, वहाँ का खाना, वहाँ की wildlife, वहाँ की veggies, वहाँ की fruits, everything is just amazing. And you know, Shipra, that's just one of the gems the North District has to offer. Wait till you see Lachen and Lachung. तो इसका मतलब हमारी खोज अभी जारी है. Talk to my Zongu. Achille! Zongu and these experiences were unique and memorable. Lekin ye North Sikkim ki khubsurti ki ek pyari si jhalak hi thi. Is adventure pe hame aur bhi bridges cross karne hain. Kahi aur mountains aur valleys ko paar karna hai. और सिक्किम के हसीन वादियों में और भी मस्त गुम हो जाना है। हमारे अगले एपिसोड में ऐसे ही ढेर सारे सीनिक लोकेशंस आने वाले हैं। और अब हम खोज के अगले एपिसोड में नॉर्थ सिक्किम के शानदार और अद्भुत हाइलैंड्स की ओर बढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको सिक्किम के खूबसूरत हिमालयन ग्राउंड्स की तरफ लेके जाएंगे।